हेतराम कुमावत, हेतराम कुमावत 2612 ये इनका पेपर कोड है। यहाँ पर आप इनका जो एसएससी रोल नंबर देख सकते हैं। सीकर राजस्थान से ये हमारे स्टूडेंट हैं और आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। लेटर इन्होंने जबरदस्त लिखा है, 39 मार्क्स इनको मिले हैं लेटर में। हालांकि ऐसे ऐसे में जो निबंध है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनसे बेहतर लिखा है, कुछ के 38 भी आए हैं ऐसे में, कुछ के 38.5 आए हैं, पर लेटर जो है इन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने लिखा है। शुरुआत करते हैं सीकर राजस्थान से हमारे स्टूडेंट। आपको टॉपिक जो है वो दिया गया था मीडिया एवं लोकतंत्र, मीडिया और डेमोक्रेसी इनका क्या रोल है आपस में। सबसे पहले तो मैं हमेशा आपसे कहती आई हूं कि आप प्रासंगिक लिखिए, आप प्रासंगिक लिखिए, ओके। काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो उन सभी घटनाओं का जिक्र कर दिया जो मीडिया के माध्यम से हमारे सामने उजागर हुई, जनता के सामने उजागर हुई, ओके। आपको केवल वो घटनाएं लिखनी थी जो प्रजातंत्र से संबंधित थी, जैसे आपने इसमें निर्भया कांड और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जरा आप टॉपिक को समझे और जो रेलेवेंट है वो आप लिखिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये इनका पेपर कोड है 2612, ये इनका एसएससी रोल नंबर है, जयपुर से इन्होंने लिखकर भेजा है, हेतराम कुमावत। जिन साधनों का प्रयोग कर बहुत से मानव समूहों तक विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं का संप्रेषित किया जाता है, सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका कानून निर्माण, कार्यपालिका कानून लागू करना एवं न्यायपालिका कानून का पालन करवाना है। इन तीनों स्तंभों पर निगरानी रखकर लोकतांत्रिक भावनाओं की रक्षा की जिम्मेदारी मीडिया पर ही होती है। तो एग्जैक्टली मीडिया का क्या रोल है वो इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया। मीडिया के प्रमुख कार्यों में सूचनाओं का प्रसारण, भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफाश करना तथा समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना है। मीडिया की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बार जनमत का निर्माण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया का होना आवश्यक है। मीडिया देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह सरकार एवं जनता के बीच सेतु का काम करता है। सरकार एवं विज्ञापनदाताओं का प्रभाव भी समाचार पत्रों एवं टेलीविजन प्रसारण में देखा जा सकता है। व्यवसायिक प्रतिबद्धता पत्रकारिता के मूल्यों को नष्ट करती है तथा यहाँ पर ये कह रहे हैं आगे, तथा इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जनता की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाना एवं विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर यह माध्यम देश एवं समाज का भला करता है। इसलिए निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया के अभाव में स्वस्थ लोकतंत्र की का कल्याण भी स्वतंत्र लोकतंत्र का कल्याण भी नहीं किया जा सकता। इस तरह यह माध्यम आधुनिक समाज में लोकतंत्र के प्रहरी का रूप ले चुका है। यही कारण है कि इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी गई है। इस लाइन से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन क्यों ये चतुर्थ स्तंभ कहा गया है ये इन्होंने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल इन्होंने जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किस तरह से वो एक लोकतंत्र को बनाने में और उसको कायम रखने में, ठीक है, किस तरह से मददगार साबित होती है, उस दिशा में ये लेकर गए हैं। वेरी वेरी गुड हेतराम, आपने अच्छा लिखा है। अब इनका पत्र देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। आपको पत्र के लिए क्या दिया गया था कि आप अरुण है, आपका नाम अरुण है, आपको अब तक अपनी स्नातक की डिग्री नहीं मिली है, तत्काल डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकरण को आपको पत्र लिखना है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है 12/26 आनंद भवन कखग नगर जयपुर दिनांक 28 सितंबर। आप में से बहुत लोग यहाँ लाइन नहीं छोड़ रहे, भाई क्या हो जाएगा अगर आप एक लाइन छोड़ देंगे, डेट के पहले डेट के बाद लाइन छोड़ो, आपकी जो फॉर्मेट है बहुत अच्छे से उभर कर साफ सुथरी लिखी हुई एग्जामिनर के सामने आनी है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, विषय
तत्काल डिग्री प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय मेरा नाम अरुण कुमार, ये नाम सही लिखो भाई, दिया हुआ है आप अरुण कुमार है, फिर भी आप लोग अबस कख ग टठ ड लवर ये सब लिख रहे हैं, वो लवर टठ ड अरुण से ज्यादा अच्छा लगता है क्या आपको? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैंने आपके विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में 2015 से 2018 तक स्नातक की पढ़ाई पूरी की तथा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हुआ, परंतु मुझे अभी तक डिग्री प्राप्त नहीं हुई। महोदय मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता हूँ, बैंक की एक परीक्षा हेतु अधिसूचना के हिसाब से स्नातक की डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख भी नजदीक है, अतः आपसे निवेदन है कि आप उचित कदम उठाएं तथा मुझे तत्काल डिग्री प्रदान करवाएं। पूर्ण सहयोग की आशा में परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि संलग्न, धन्यवाद। और उसके बाद फिर फाइनली प्रार्थी अरुण कुमार सन ऑफ राजेश कुमार, रोल नंबर जो है अनुक्रमांक इन्होंने वो लिखा है, इन्होंने एग्जाम कहाँ दिया था इन्होंने वो लिखा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रवेश परीक्षा जो है उसके इन्होंने जो फोटो कॉपी है वो साथ में अटैच की है। जो नेसेसरी डिटेल्स चाहिए थे इस पूरे पत्र में वो स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए हैं। देखो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे मेरी डिग्री दे दो, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि आपने वहां से कौन सी पढ़ाई की थी, आप कहेंगे कि मैंने आपके वहां से ना ग्रेजुएशन किया था, वर्ष आपको बताना है कि मैंने ग्रेजुएशन जो है साल 2007 से 2010 वाला जो बैच है उसमें किया था, 2011 से लेकर 2014 वाले बैच में किया था, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ओके कुछ एक स्टूडेंट्स जो है वो अपना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर भी बता रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट जो है अपना रोल नंबर बता रहे हैं, तो इन्होंने जो है पूरी चीजें जो है, कुछ लोगों ने कहा कि मैं जो मेरा एडमिट कार्ड था उसकी फोटोकॉपी आपको भेज रहा हूं, तो ये चीजें लिखनी बेहद जरूरी होती है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें बाहर छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली आपके एवरेज से मार्क्स आते हैं। आपको समझ में आया कि क्यों इनका जो लेटर है वो बेस्ट लेटर था। चलिए अगले पेपर पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं अगले पेपर पर, यह है अंकुर सोनी का पेपर। अंकुर सोनी जयपुर राजस्थान से हमारे स्टूडेंट, अंकुर सोनी जयपुर मीडिया और लोकतंत्र 2612 एसएससी रोल नंबर। देखिए क्या लिखते हैं, किसी भी देश के निर्माण में मीडिया सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो चाहे आजादी से पूर्व का भारत देश हो जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने नागरिकों को अपने से जोड़ने के लिए प्रिंट मीडिया का सहारा लिया हो, या आजादी के बाद का भारत देश जहां प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी लोकतंत्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, इसलिए लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा गया है, क्योंकि मीडिया ही एक वह माध्यम है जिसके लोकतंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। लोगों की दब चुकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके कई ताजा उदाहरण हैं निर्भया कांड, मुजफ्फरनगर के दंगे, जाट आरक्षण आंदोलन, या हाल ही में घटित यूपी विधायक की पुत्री का प्रेम विवाह जिसमें ऑनर किलिंग की संभावना थी। इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं और इन्होंने इनको प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया कि सरकार को जैसे इन चीजों के बारे में पता नहीं था, अब आरक्षण वगैरह ये सारी चीजें जो है बिल्कुल मीडिया के माध्यम से सामने आई, जिसमें ऑनर किलिंग की संभावना थी, परंतु मीडिया की मध्यस्थता से सरकार से उस पर तत्काल संज्ञान लिया और उसको सुरक्षा मुहैया कराई। किसी भी देश के मीडिया को नियंत्रित करना उस देश के लोगों के मस्तिष्क को नियंत्रित करना होता है, इसलिए कई बार मीडिया की भूमिका कटघरे में भी खड़ी हो जाती है। जब पेड मीडिया एक ही पार्टी की सकारात्मक खबरें एक बार बार प्रकाशित की जाती हैं और जरूरी लोक मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कई बार मीडिया पर इस तरह के आरोप भी लगे हैं, जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव जहां न्यूज चैनल किसी एक विशेष दल के चैनल बनकर रह गए थे। आज आवश्यक है कि मीडिया अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका समझे और राज्य केंद्र तथा नागरिकों के मध्य सभ्य सुंदर सुशील एवं पारदर्शिता युक्त वातावरण तैयार करे, तभी सही मायनों में देश प्रगति करेगा। कंक्लूजन के लिए शाबाश। ओके शाबाश अंकुर सोनी, आपने ये अच्छा लिखा है। चलिए आपको ले चलती हूँ इनके पत्र पर।
2/3 कखगा नगर जयपुर 22 सितंबर 2019 प्रतिष्ठा में श्रीमान वरिष्ठ परीक्षा नियंत्रक अवसर विश्वविद्यालय दिल्ली स्नातक की उपाधि मिलने में विलंब हेतु महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विश्वविद्यालय के 2012 से 2016 बैच के बीटेक का विद्यार्थी रहा था और मैंने अपनी स्नातक की उपाधि 2016 में पूर्ण भी कर ली थी तथा मेरी विश्वविद्यालय की बकाया फीस पुस्तकालय एवं छात्रावास विभाग सभी जगहों से ली गई एनओसी भी परीक्षा नियंत्रक विभाग में जमा करा दी थी। आगे कहते हैं, मैं आगे की पढ़ाई के लिए य र ल व विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे मेरी स्नातक की उपाधि की आवश्यकता है। उससे संबंधित मैं सारे दस्तावेज जमा कर चुका हूं, परंतु उपाधि मुझे अभी तक प्रदान नहीं की गई है। अतः महोदय आपसे आग्रह है कि उसे जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें। आपका कृपा भिलाषी अरुण, बैच नंबर ये, बीटेक कंप्यूटर ब्रांच, और फाइनली इन्होंने यहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह दिया है। सो वेल डन, आपने अच्छा लिखा है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंग्लिश मीडियम के पेपर्स पर, और इंग्लिश मीडियम के पेपर में हम आ गए हैं अश्विनी आर के पेपर पर। अश्विनी आर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु से हमारी स्टूडेंट है। ओके, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया रेफर्स टू द कम्युनिटी communication outlets or tools used to deliver information to the citizens of a country. Democracy refers to the system where the citizens exercise the power to vote to express their political preference. If it were left on me to decide whether we should have a government without a newspaper or a newspaper without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter, Thomas Jefferson. A democracy literally means rule by the people. It is a government of the people, for the people, and by the people. The people have the right to know what the government is doing, and the media is the one who informs them. The media should provide the information to the people in unbiased form and let them choose what may be the best in their interest. It may be right in democracies like USA, UK, etc., as most of the people are educated. But in a country like India, where illiterate population exists, people are limited to ask questions. Even if they do so, they are limited by money and power. The role of media can be limited by supplying information to the citizens above. Can it work in the interest of the public? Media has the power to do so once it gets released from the hands of the corrupt. Without a free and independent media, true democracy is unattainable. The scenario must change, for this media should act as a medium which brings the truth to the people rather than working for politicians and TRP. It must not be a stage of debate but the stage to चेंज। ओके, तो ये था इनका एसे। और अब मैं जो है आपको एक और पेपर पर ले चलती हूँ, इंग्लिश ले आई हूँ गौतम के पेपर पर। और गौतम जो है ये हमारे स्टूडेंट है महाराष्ट्र से। चलिए हम इनका पेपर देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। महाराष्ट्र से हमारे स्टूडेंट है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी ये टॉपिक इनके मिला है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, टूल टू रिफॉर्म द सोसाइटी, मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड नॉलेजेबल सिटीजन एंड मेनी मोर। All these are significant qualities of media. A healthy democracy can survive only if media is free and unbiased. Gagging of media means a suppression of democracy, as notorious autocrats like Hitler, Mussolini are the examples in history. From history, history of media in India started in 1782 with the publication of Bengal Gazette by James Sikri. Very soon Britishers realized if they want to rule India, they must censor media. Subsequently, Britishers brought Vernacular Press Act 1878. Later, it was repealed. In the freedom struggle of India, media played a vital role to mobilize masses and make them aware. Yugantar, Marathi, Kesari, these newspapers worked commendably. In the present digital world, print media is on the verge of extinction as TV channels, e-newspapers, social media are replacing print media gradually. अब यहाँ तक देखो, इन्होंने जो इतना सारा लिखा है ना, मैं कहूंगी कि वो सारा इन्होंने एक्चुअली मीडिया और न्यूज़पेपर उसका क्या रोल था उस बारे में लिखा। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है ना इनका, वो बहुत रेलेवेंट नहीं है।
ओके आगे देखो, यहां से इनका प्रॉपर अब स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको कहा कि मैं काफी सारे पेपर्स लूंगी जिनसे आप क्या सीख सकते हैं वो आप देखो। देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ फ्री एंड अनबायस्ड मीडिया सच एज इट्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, थ्रोज लाइट ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स एज बेनिफिट्स मीडिया हैज सम नेगेटिव्स टू। मेनेस ऑफ पेड न्यूज शेकिंग द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट सेंसरशिप कैन लीड टू डिक्टेटरशिप, डिमांड ऑफ टाइम इज रोबस्ट मैकेनिज्म टू डील विद पेड न्यूज, फेक न्यूज इररिलेवेंट एंड प्रोवोकिंग न्यूज। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सर्वाइवल ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी इज डिपेंडेंट ऑन हेल्दी एंड इम्पार्शियल मीडिया। ओके, तो काफी सारे स्टूडेंट जो अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो भी ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें आप काफी भटक गए। तो चलिए मैं आपको एक और पेपर पर लेकर चलती हूँ। ये भी इंग्लिश मीडियम का ही पेपर है और ये जो पेपर है हमारा कौस्तव सेठ का पेपर है। ये वेस्ट बंगाल से लिखकर भेजते हैं। The fourth pillar of democracy, that is media, reached India through James C. Cree's Bengal Gazette. Then various newspapers grew up, and helped in freeing India from British by publishing national news and messages of freedom. Media has enormous power. It can change governments, change regimes by becoming the voice of masses. मीडिया अनकवर्ड मेनी इंसिडेंट्स। ये पेपर देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, इनके पेपर का बढ़िया है। लाइक द परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या कम्युनिटी इन म्यांमार, द चाइनीज, ओके, फोर्स्ड लेबर, मीडिया गिव्स द वॉइस टू द वॉइसलेस बाय पब्लिशिंग देयर प्रॉब्लम्स, टेलीविजन जर्नलिस्ट्स इनवाइट गेस्ट्स हु हैव नॉलेज इन पर्टिकुलर टॉपिक्स टू एजुकेट द मासेस, सोशल मीडिया क्रिएटेड द अरब स्प्रिंग एंड अपरूटेड द डिक्टेटोरियल regimes in many countries. Yes, ये portion बहुत बढ़िया इन्होंने जो है examples यहाँ पर दिए हैं। Excellent examples given by this student. There are issues with media like when they assume one party as virtuous and right over another rather than providing details and letting people decide. Media often trials in their shows, writings and declare someone guilty leading to civil death in many cases. Like the Rohtak sisters case, media is often used by foreign powers to exert influence on one's country's domestic policy. RT is funded by Russian government, Al Jazeera by Qatar, not necessarily shows accurate information. Government ideally should not have any control over media, but regulation over foreign network and social media is necessary so that no fake news is circulated. The media should be the guard dogs of democracy, not and never refrain from criticizing government's actions and policies. They must also praise the governments when needed. Free and independent media gives you scope to question authority. That's why dictatorial regimes hate media. फिर आगे यहाँ पर दिया गया है फ्रीनेस। ओके, इनकी हैंडराइटिंग पढ़ना बड़ा मुश्किल है। फ्रीनेस ऑफ मीडिया, ये फ्रीडम ऑफ मीडिया एक्चुअली गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ हाउ आर डेमोक्रेसी इज परफॉर्मिंग। ओके, तो ये जो है आप देख सकते हैं, इन्होंने जो एग्जांपल्स थे ना इनके ऐसे में, वो बहुत बढ़िया थे, जिनकी वजह से इनका जो पेपर है यहाँ पर इंक्लूड किया गया। आपको एक और पेपर पर लेकर चलते हैं। शीजल का पेपर है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, भिलाई से। देखते हैं, मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलोंग विद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एसडीजी 16 आल्सो एनकैप्सुलेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फ्री एंड सेफ प्रेस। द वर्ड मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब्स द वेज थ्रू विच we communicate in society. The media plays a very crucial role in providing news and discussing events taking place in the world. It provides information that allows citizens to make informed decisions inside and outside the polling booth. The media has traveled a long way from the days of radio and newspapers to television and social media. Given the role that media plays, it is important that the information is balanced. It must discuss all the points from the angle of every stakeholder and let them decide and make up their mind. It should be free from censorship
as it was during Indian emergency between 1975 and 1977. देखो कितना बढ़िया इन्होंने example दिया. And also be devoid of control by business houses. But it depends on the media being independent, which is crucial for a democracy. Sometimes the competitiveness makes media opposing the democratic ideals and it proves detrimental for the democracy. India ranked 140th out of 180 countries in the world press freedom index. देखो ये बहुत ही अच्छी जानकारी. Okay, इस तरह की जानकारी दीजिए आपका पेपर जरूर टॉपर्स में आ जाएगा. This isn't a good sign. Therefore, the approach of media democracy must intend to empower the citizens and promoting the democratic ideals through the spread of balanced information. Balanced media can bridge divides through accurate reporting, break down stereotypes, cover human stories and present solutions. Thus, World Press Freedom Day 2019, aimed at deepening democracy and sustainable development in digital times, is the in the theme of media democracy. B.R. Ambedkar once stated, right to press is a part of right to freedom of speech and expressing. तो ये देखिए इन्होंने कितने बढ़िया इसमें examples दिए. Sentence structure इनका बहुत अच्छा होता है और जिस तरह से ये लिखती हैं, very very appealing. एक हिंदी medium का भी paper ले लेते हैं और ये अंतिम paper होगा. ये राजा राज का paper. इनका नाम मुझे बहुत पसंद आया, राजा राज. ये पूर्णिया बिहार से हमें लिखते हैं. ये इनका पेपर है मीडिया और लोकतंत्र. लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन है. मैं आपसे कहना चाहूंगी इस पेपर में ये जो टॉपिक दिया गया था, 90% लोगों ने दो ही तरीके से स्टार्ट किया. या तो एक तरीका ये था कि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, या फिर दूसरा था कि मीडिया जो है वो सरकार का वो जो है फोर्थ पिलर है. ओके, उस तरह से स्टार्ट किया गया. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मतलब जो तरीका मैं अपना रहा हूं इसको बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जरा एग्जामिनर का ध्यान खींचने के लिए कोई और तरीका अपनाइए, आपको एडवाइजेबल है. अगर कोई और तरीका आपके पास है तो, और अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे ही शुरू करें. आगे ये कहते हैं, मीडिया जनता की समस्याओं को मौजूदा सरकार तक एवं सरकार की योजनाओं तथा उनकी कार्य में पारदर्शिता लाने में एक अहम रोल अदा करती है. मीडिया को लोकतांत्रिक देश का चौथा आधारभूत खंभा अर्थात इसे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. मीडिया लोकतांत्रिक शासन में एक चौकीदार की तरह कार्य करती है. लोगों को जागरूक एवं उनके कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन भी निर्वहन की प्रेरणा देती है. चाहे काले धन की बात हो या घूसखोरी की, संबंधित अधिकारी अथवा मंत्री को रंगे हाथ पकड़ने में तनिक सा भी संकोच नहीं करती. मीडिया लोकतांत्रिक समाज में आला अधिकारी को बेईमान होने से बचाती है. मीडिया जनता को जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सरकार की कई कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं का लाभ जनता को मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिलती है. किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो तो मीडिया का एक लेख यहाँ पर होना चाहिए. ओके, लेख उसे न्याय दिलाने की क्षमता रखता है. लेख जो है वो पुलिंग है. ओके, क्या आप ऐसे नहीं कहते लेख अच्छा है या लेख बुरा है? तो यहाँ पर ये बहुत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों दिक्कत है, ये वो पुलिंग और स्त्रीलिंग का फर्क नहीं कर पा रहे, जो लोकतंत्र की सार्थकता को सिद्ध करती है. हालांकि यह लोकतंत्र को बनाए रखने का एक सर्वोत्तम साधन है, किंतु यह तब तक संभव है जब वह ईमानदारी पूर्वक अर्थात स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इस पर कोई बाहरी दबाव न हो. जनता का शासन सुचारू पूर्वक संचालन में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एक सशक्त देश में शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु एक सशक्त एवं सामर्थ्य से भरे रक्षक की आवश्यकता है, जो मीडिया के रूप में कार्यरत है. तो इन्होंने जो है बढ़िया लिखा है और ये अंतिम पेपर जैसा कि मैंने आपसे कहा था. तो ये वाला जो टॉपिक था थोड़ा मुश्किल था, कुछ लोगों ने इररिलेवेंट लिख दिया, उन्होंने मीडिया के ही रोल पर लिख दिया, लेकिन आपको मीडिया को डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करना था. ये आप समझें, एक तो आप इररिलेवेंट लिखने से बचें. ओके, ये आपको जरूर करना है. बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लाने की कोशिश करें. अगर करेंटली अभी हाल ही में कोई आंकड़े, कोई फिगर्स, कोई डाटा वगैरह आया है, उसको अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करें तो आपके पेपर का लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा.